अगर आप पीसी में या फिर लैपटॉप में फ्री फायर या फिर पबजी जैसे गेम खेलना चाहते हो पर आपके पास पीसी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको महंगे पीसी या फिर लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल में माउस कीबोर्ड यूज करके और मोबाइल की स्क्रीन को मॉनिटर में कास्ट करके पीसी एक्सपीरियंस का मजा ले सकते हैं। तो ये सब करने के लिए आपको कोई महंगे मोबाइल की जरूरत नहीं है, आप सस्ते से सस्ते मोबाइल में भी ये सब कर सकते हैं। तो कैसे करना है चलिए मैं दिखाता हूँ। मोबाइल की स्क्रीन को मॉनिटर या फिर टीवी में देखने के लिए हमें MHL केबल की जरूरत पड़ेगी। ये जो आप MHL केबल देख रहे हैं ये किसी भी सस्ते से सस्ते स्मार्टफोन में सपोर्ट करता है। तो अगर आपके मोबाइल में MHL का सपोर्ट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल में microSP या फिर Type-C कोई भी पोर्ट है, दोनों पोर्ट के लिए पिन दिया गया है। अभी ये MHL केबल आउट ऑफ स्टॉक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दूसरा MHL केबल का लिंक दे दिया है जो कि iPhone के साथ साथ Android में भी सपोर्ट करता है। इन सब प्रोसेस के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी। MHL केबल को मोबाइल में कनेक्ट करते ही एक विंडो शो होगा जहाँ पर आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपके टीवी या फिर मॉनिटर की HDMI पोर्ट में MHL केबल को लगा देना है और USB पिन को चार्जर में लगा देना है और दूसरा पिन मोबाइल में लगा लेना है और जिसे आपको आपने डाउनलोड किया था उसी ऐप को ओपन करना है और सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ में क्लिक करोगे आपका स्क्रीन कास्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप मोबाइल में कुछ भी करोगे वो सारे चीज आपके टीवी या फिर मॉनिटर पर शो होगा। तो आपने देखा कि मोबाइल की स्क्रीन को मॉनिटर या फिर टीवी में कैसे कास्ट करना है। तो अब हम देखेंगे कीबोर्ड और माउस को कैसे मोबाइल में कनेक्ट करना है। मोबाइल की चार्जिंग पोर्ट में MHL केबल कनेक्टेड होगा, इसीलिए चार्जिंग पोर्ट में दूसरा डिवाइस यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें माउस कीबोर्ड यूज करना है तो ब्लूटूथ वाला माउस कीबोर्ड यूज करना पड़ेगा। आपको FlyDigi का या फिर गेमसर का माउस कीबोर्ड लेना है क्योंकि की मैपिंग करने के लिए इनके खुद के ऐप मिलते हैं। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं मिले तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें वन हैंड गेमिंग कीबोर्ड मिलता है जो कि ब्लूटूथ वाला है। कीबोर्ड के साथ हमें माउस भी मिलता है जो कि नॉर्मल गेमिंग माउस है। कीबोर्ड में हमें RGB लाइट देखने को मिलता है और राइट साइड में हमें कीबोर्ड ऑन ऑफ करने का बटन और बैकलाइट ऑन ऑफ करने का बटन मिलता है। आगे की साइड में हमें एक USB पोर्ट मिलता है जिनमें हमें माउस को कनेक्ट करना होता है और उसी के साइड में हमें Type-C पोर्ट देखने को मिलता है जिनसे हम कीबोर्ड को चार्ज कर सकते हैं। तो इस कीबोर्ड की ऐप को डाउनलोड करने के बाद हमें उस ऐप से की मैपिंग करना होता है। की मैपिंग करने के बाद आपको MHL केबल को कनेक्ट करना है और गेम खेलना है। अब तक तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं अब करिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है फिर या फिर जानना है तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।